रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है, ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती।